नमस्कार साथियों, कैसे हैं? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे और अपना बेहद ही ख्याल रख रहे होंगे। आज का टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और बड़ा ही शानदार भी। आइए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है सेंट्रल आइडिया क्या है और सेंट्रल आइडिया कैसे प्रिपेयर करें, या फिर एज ए टीचर स्टूडेंट से सेंट्रल आइडिया कैसे लिखवाएं। तो इस सेंट्रल आइडिया मेथड को भी मैं ऐसे अप्लाई करना चाहूंगा फ्रेंड्स, कि जब हम क्लास में जाते हैं किसी पोइम को पढ़ाने के लिए, तो हमारे पास दो ऑप्शन है साथियों। अच्छा लगे इस थॉट को जरूर शेयर करें, आपसे रिक्वेस्ट है कि मान लीजिए मुझे आज कोई पोएम पढ़ानी है और मैं बच्चों के सामने गाजर का हलवा लेकर गया और मैंने वो बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है? तो अब सब बच्चों के पास क्या है? गाजर का हलवा, या कोई भी दूसरी स्वीट डिश हो सकती है। बजाय इसके मैं उस पके पकाए गाजर के हलवे को ले जाने के, या खुद का तैयार सेंट्रल आइडिया ले जाने के, मैं वहां लेकर जाऊंगा इस पोएम का एसेंस या सेंट्रल थॉट, जिसे कहेंगे शुगर या चीनी। आप नमक भी ले जा सकते हैं अगर आपको कोई नमकीन डिशेज तैयार कराना है। जब मैं अपने क्लास के उन प्यारे प्यारे बच्चों में वो चीनी बांटूंगा और उनसे कहूंगा, नाउ यू हैव टू प्रिपेयर योर ओन सेंट्रल आइडिया लाइक स्वीट डिशेज विद योर ओन रेसिपीज, तो मेरे प्यारे साथियों क्या मिलेगा? कोई बच्चा रसगुल्ला बनाएगा, कोई जलेबी बनाएगा, कोई गुलाब जामुन बनाएगा, कोई रसमलाई बनाएगा, कोई तो इतना साइंटिफिक मेथड यूज करेगा ना, वो आइसक्रीम भी तैयार कर देगा। तो क्लास के ओवर होने पर हम क्या देखेंगे साथियों? हर बच्चे के पास खुद की अपनी सेल्फ मेड स्वीट डिश होगी। ये होगी आइडियल परफेक्ट क्लास ऑफ लिटरेचर, जिसमें मेरे सिर्फ कंटेंट बांटने पर, या मेरे सिर्फ सेंट्रल थॉट को शेयर करने पर, या फिर मेरे उस सेंट्रल एसेंस को बच्चों तक पहुंचाने के बाद वो बच्चे बदले में मुझे देंगे तरह तरह के डिफरेंट सेंट्रल आइडियाज इन देयर ओन लैंग्वेज विद देयर ओन टेक्निक्स ऑफ राइटिंग। ये होगी आइडियल क्लास, और ऐसे हम कराएंगे बच्चों से तैयार डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंट्रल आइडियाज। ये बनेगा एक आइडियल गार्डन, जिसमें डिफरेंट टाइप्स और डिफरेंट कलर्स और डिफरेंट फ्रेग्रेंस के फ्लावर्स होंगे। दोस्तों वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को इंग्लिश में। नमस्कार।